हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव सोनी है एंड आई एम फ्रॉम आरजे इंटरनेशनल। बहुत ही एक खुशी की बात है कि आज एक मेरे एक स्टूडेंट्स का फिनलैंड का रेसिडेंस परमिट आया हुआ है। किंजल, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। किंजल, आज आपका ये स्टडी परमिट जो है, रेसिडेंस परमिट, वो आज ही रिसीव हुआ ना आपने? हाँ जी जी जी। तो गाइस, ये रेसिडेंस परमिट ये 4 साल का है। स्टूडेंट 4 साल के बैचलर प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तुर्कू यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस में। तो उनका आईसीटी प्रोग्राम है बैचलर्स इन आईसीटी इंजीनियरिंग। एंड उनका आप जैसे नए रूल्स आए थे, वो रूल्स के हिसाब से 2026 तक जब इनका कोर्स ख़त्म होता है तब तक का इनका एक परमिट आया हुआ है। आई कैन सी दैट देयर इज अ टाइप ए परमिट। टाइप ए परमिट मतलब जो नए रूल्स आए हैं उस हिसाब से टाइप ए, दैट आप दैट शुड बी एलिजिबल आफ्टर 4 years टू अप्लाई फॉर हर परमानेंट रेसिडेंसी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस सबसे पहले किंजल कि आपका रेसिडेंस परमिट आ चुका है। तो अभी आप कंप्लीटली स्ट्रेस से बाहर हैं। कुछ चीज़ें मैं जानना चाहूँगा किंजल कि how was your experience with RG International? It was amazing and जैसे मतलब कि RG team ने मेरी help की each and every processing, like मैंने apply किया, वहाँ से offer letter आ गया within 3 to 4 days के अंदर। After that file submit किया, documents ready किया, biometrics की date है, उसके बाद एक ही week में मेरा एक card भी आ गया। So amazing experience रहा और team ने भी बहुत help की। Very good, बहुत ही अच्छा। किंजल, मैं जानना चाहूँगा कि what makes you inspired for Finland? मतलब Finland आपने क्यों चूज किया कि मुझे Finland जाना है? I search out 2 to 3 countries, but Finland में जैसे अभी एक rules बाहर किया था, मतलब कि मेरे friends हैं तो उनके साथ मुझे जाना था, तो मैं उनके साथ एक साथ मतलब कि अभी उनके साथ जा सकती हूँ। और दूसरा कि मतलब कि depends में जो rules आए अभी, वो it was amazing, so that's why I choose the Finland। चलो बहुत बढ़िया। तो मुझे एक और हमारी audience एक और चीज़ जानना पसंद करेगी कि Finland की हर एक university में आप अप्लाई करते हो उसके बाद इंटरव्यू आता है, तो बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं। तो मुझे आपका वो समझना है कि आपने जब इंटरव्यू दिया उससे पहले आपका एक्सपीरियंस, मतलब आपका स्ट्रेस लेवल कैसा था, और आपका इंटरव्यू जब कंप्लीट हुआ उसके बाद आप क्या फील कर रहे थे। तो ये दोनों जो डिफरेंसेस है वो डेफिनेटली आप स्टूडेंट को बताओ, तो फ्यूचर में किसी और स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ें बहुत हेल्प कर सकती है। जैसे मेरी डेट आई इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे बुलाया, हमारे मैम का मुझे कॉल आया था, फिर हम यहाँ पे आए, ग्रुप डिस्कशन हुआ था, उन लोगों ने काफ़ी हेल्प की कि हाँ आपके इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा आपको आंसर करना है। और फिर जब मेरा इंटरव्यू था, मैं बहुत नर्वस थी कि मैं मतलब कि आंसर दे पाऊँगी, कैसे होगा क्या, बट वो लोग भी बहुत फ्रेंडली थे। और एक जैसे मैंने इंटरव्यू दिया उसके बाद आई फील वेरी हैप्पी। जैसे मैंने सजेस्ट मतलब कि जैसे इमेजिन किया था कि इट्स टू हार्ड और कैसे करूंगी, कर पाऊंगी या नहीं, बट इट वाज टू स्मूथ। तो मतलब वो आपका कंप्लीट हो गया तो यू वाज रिलैक्स्ड? yes. हाँ कि मेरा हो चुका है। हाँ, ठीक है। उसके बाद कितने दिन के बाद आपका डिसीजन आया कि यू आर एक्सेप्टेड? विद इन 10 to 12 days। राइट, विद इन 10 to 12 days। और उसके बाद आपका ऑफर लेटर आ गया। चलो बहुत बढ़िया। तो और एक चीज, आपका एंटायर प्रोसेस तो मतलब समझे इट वाज वेरी स्मूथ। अभी ये आपका जो रेसिडेंस परमिट आपका आया है उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? लिटरली जब मैंने हाथ में लिया ना, मैं रो पड़ी थी कि फाइनली इट वाज कम है। चलो, योर ड्रीम कम ट्रू, राइट? चलो, विश यू ऑल द बेस्ट किंजल, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड to see you somewhere in Finland, definitely. Sure. At the university, but I, you know, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी भी बेचारे वेट कर रहे हैं उनके अपॉइंटमेंट्स के लिए, उनके प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले वक्त बहुत कम है। बट आई फाइंड यू वेरी लकी कि आपका प्रोसेस मतलब बिफोर टाइम है, आप बिफोर टाइम मेरे ख्याल से आप ट्रैवल भी कर रहे हो। ठीक है ना? तो डेफिनेटली विश यू ऑल द बेस्ट, और डेफिनेटली मिलेंगे हम फिनलैंड में वापस। यू टेक केयर, ठीक है ना? आई विश यू, वी ऑल विशिंग यू अ वेरी हैप्पी जर्नी एज़ वेल। थैंक यू।